सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका किसान न्यूज़ के फेसबुक लाइव में फिर से एक बार। 5 जून सोमवार का दिन है, देख सकते हैं आज दिल्ली सब्जी मंडी से फिर से आपके साथ एक बार लाइव हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो आमद थोड़ी कम नज़र आ रही है मटर और गोभी की, आज बीन भी थोड़ी कम मात्रा में पहुँची है पिछले दिन के मुकाबले। कल काफ़ी माल यहाँ आया था, क्वालिटी आप देख सकते हैं मटर की, थोड़ी सूखी हुई मटर दिख रही है, डंडियाँ इनकी सूख चुकी है, शायद इनका तुड़ान पहले हो गया हो, मंडी में ये लेट आई है। बाकी कुछ माल लोडिंग के लिए जा चुका है, देखते हैं आज क्या बाजार रहता है डेली सब्जी मंडी में मटर बीन और गोभी का। इसी प्रकार के अपडेट जानने के लिए किसान न्यूज़ से प्रतिदिन जुड़े, और अगर आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया करके फॉलो कर लें। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के, चाहे वो अन्य राज्यों की फल एवं सब्जियाँ हो, चाहे यहाँ की लोकल फल एवं सब्जियाँ हो, चाहे वो स्टोन फ्रूट्स हो, आपको सभी प्रकार के यहाँ पे रेट्स प्रतिदिन मुहैया कराए जाएंगे। बाकी देखते हैं आज क्या बाजार रहा डेली सब्जी मंडी में मटर बीन और गोभी का। बीन की क्वालिटी आप देख सकते हैं जो आज डेली सब्जी मंडी में पहुँची है, देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी साफ लंबी बीन यहाँ पहुँची है। मटर की भी आमद ठीक ठाक ही है, देखते हैं आज क्या बाजार है गोभी बीन और मटर का। हालांकि गोभी की अभी बोली हो नहीं पाई है, लेकिन आपको फिर भी रेट जैसे ही इनके तय होते हैं आपको अवगत कराया जाएगा क्या बाजार रहा आज गोभी का। किसान भाइयों, अब आपको अवगत कराते हैं आज क्या बाजार रहा मटर बीन और गोभी का। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं 12 नंबर से नीटू सर। नीटू सर नमस्कार, आज फिर से आपका स्वागत है एक बार किसान न्यूज़ में। सर आज देख पा रहे हैं थोड़ी आमद कम है मटर गोभी और बीन की, आज माल काफ़ी कम है, ये अब मुझे लगता है ये रश कम हो गया, ये लो हाइट की मटर खत्म है, मीडियम मटर भी खत्म है, हाइट की मटरें बची है जी, और मटरें भी बहुत ख़राब आ रही है, 70% माल बहुत ख़राब आ रहा है, जिस सड़ा हुआ माल आ रहा है वो दागी माल आ रहा है, 30% माल बढ़िया है, जो बढ़िया माल है वो 40 से 50 के बीच है, मटर और जी। बीन 60 रुपए से 85 रुपए आज जो बिकी है सर, आज बिकी है 60 रुपए से 85 रुपए जी। बीन फूल गोभी यही है 15 से 20 के बीच है, 15 से 20 रुपए तक। क्या कारण है सर जो ये किसान इस तरह का माल मंडी में ला रहे हैं? कारण ये है कि बारिश हुई बहुत है ना, और घास बढ़ गई, घास के पीछे मटर रही और वो सड़ गई जी, तो क्या करेगा किसान, जो भी बिके वो ले आ रहा है, ले जा रहा है, नमी के कारण मटर खराब। हाँ बारिश हुई ना बहुत जी, मौका मिला नहीं है उसको घास निकालने वगैरह का, घास के बीच फंस गई खेतों में जी, घास लंबी हो गई, मटर उसके बीच फंस गई और सड़ गई। फिलहाल कहाँ कहाँ से आ रही है सर मटर आपके पास? ये आ रही है जी कोटखाई से आ रही है, रोड़ू से आ रही है, और अपना चियोग का इलाका, चियोग से भी आ रही है, चियोग फागू से भी जी। नीटू सर काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी, कृपया अपना फर्म का एड्रेस और अपना संपर्क नंबर शेयर करें। हटेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर 12 MST 98160 66921। ठीक है किसान भाइयों, आप डायरेक्ट नीटू भाई से भी संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी की आवश्यकता हो तो आपके साथ इन्होंने अपना नंबर साझा कर दिया है, निसंकोच आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीटू सर किसान न्यूज़ से जुड़ने के लिए। देख पा रहे हैं किसान भाइयों, लहसुन भी आज यहाँ पहुँचा है डेली सब्जी मंडी में, देखते हैं क्या बाजार रहा है लोकल लहसुन का आज, क्वालिटी आप देख सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर अभी धूप में रखा गया है ताकि थोड़ा सूख जाए। बाकी आपको अवगत कराते हैं अन्य राज्यों से आई हुई फल एवं सब्जियों का आज क्या बाजार रहा डेली सब्जी मंडी में। सभी प्रकार के अपडेट्स जानने के लिए किसान न्यूज़ से अंत तक जुड़े रहे, और प्रतिदिन लाइव फीड से जुड़े किसान न्यूज़ की, सभी प्रकार के आपको यहाँ पे रेट्स मुहैया कराए जाएंगे। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे फूल गोभी, हालांकि लगता है ये लोकल तो नहीं है, बाहर की है ये, अन्य राज्यों से आई हुई। बैंगन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, घिया है, कचालू है, कद्दू है, सीडलेस खीरा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी साफ खीरा है इनके पास, घिया आप देख सकते हैं। जानते हैं आज इन सभी के क्या बाजार रहा डेली सब्जी मंडी में। टमाटर आप देख सकते हैं, आम भी यहाँ पहुँचा है, हालांकि मेरे ख्याल अचार वाला आम है,
रेंगड़ की सब्ज़ी आप देख सकते हैं डेली सब्जी मंडी में पहुंची है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेट अन्य मंडियों के मुकाबले मिल रहे हैं लिंगड़ी के। क्वालिटी आप देख सकते हैं लिंगड़ी की। तरबूज खरबूजा यहाँ पहुंचा है, टमाटर आप देख सकते हैं। किसान भाइयों जुड़ चुके हैं हमारे साथ वरुण भाई 13 नंबर KN एंटरप्राइजेस ढली से, देखते हैं आज देसी सौदे का क्या बाजार रहा यहाँ पे ढली सब्जी मंडी में। वरुण भाई नमस्कार, किसान व्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है सर। धन्यवाद जी। सर बताएंगे आज क्या बाजार रहा, सबसे पहले लोकल से शुरू करते हैं आपके पास क्या? लोकल में तो देखो लिंगड़ का बहुत फल आया है, लिंगड़ बिकाया था 15 रुपए से लेकर 30 रुपए तक लिंगड़ बिकाया है। कम हो गया सर लिंगड़ के रेट, है ना? रेट ऐसा है की अगर तो 4-5 कट्टे आए अच्छा ठीक मिलता है, जब 40 कट्टा आएगा जहाँ पर प्रचून की उस अपनी मंडी में तो जी आवक ज्यादा होगी तो रेट नेचुरली कम हो जाता है। फिर और भी आपका फूलगोभी आई है, फूलगोभी का बाजार ठीक रहा है, 30 से 35 रुपए किलो फूलगोभी बिकी है जी। मटर का बाजार रहा है भैया प्रचून में आज 20 रुपए से लेकर 30-35 रुपए तक बढ़िया मटर बिकी है जी। ठीक है जी। बीन का बाजार रहा है आज 60-65-70 रुपए तक जी लोकल का, और लोकल में मूली आई है, मूली रही है 20-25 रुपए किलो जी। जी ठीक है जी। और आपका लोकल में पालक आया था, पालक बिकाया आज 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक जी। ठीक है जी। पुदीना आया था, पुदीना बिकाया भी आज आपका 100 रुपए कौड़ी, 80 से 100 रुपए कौड़ी बिकी है पुदीने की जी। लोकल में आलू आया था सर? लोकल में आलू आया है सर, बिक रहा है 18 से 20 रुपए किलो, 18 से 20 रुपए आलू लोकल ये बिक रहा है। और हरा प्याज आया था भैया, हरा प्याज आज तेज रहा है, 25 से 30 रुपए किलो हरा प्याज बिका है जी लोकल में। और भैया लोकल में तो और क्या रहा है, बंद गोभी है लोकल, लोकल बंद गोभी बिक रही है 8-10 रुपए की, 8-10 रुपए। लहसुन आ रहा है सर लोकल? लहसुन लोकल आया था भैया 60-70 रुपए के लोकल, लहसुन सूखा लहसुन बिक रहा है 60-70 रुपए। और लोकल में तो यही था सारा। और देसी में चलते हैं भैया, देसी में आपका जो आपकी प्याज बिक रहा है वो बिक रहा है 17 से 18 रुपए किलो जी। ठीक है जी। टमाटर बिक रहा है आपका 350 से 400 रुपए किलो क्रेट जी। ठीक है जी। करेला बिक रहा है अभी आपका, बिका था करेला 30 रुपए तेज होगा करेला जी, हाइब्रिड करेला आया था वो 30 रुपए किलो बिका है जी। घिया बिक रहा है अभी आपका 25 रुपए किलो, भिंडी बिक रही है आपकी 25 रुपए किलो, फिर आपका कद्दू बिक रहा है 10 रुपए किलो, गाजर बिक रही है अभी आपकी 25 रुपए किलो जी, और आपका शिमला मिर्च, शिमला मिर्च बिक रही है भैया 25 से 30 रुपए किलो, और लाल पीली शिमला मिर्च, लाल पीली बिक रही है भैया 120 से 150 रुपए किलो बिक रही है। कटहल आया था सर? कटहल भी आप पीस वाला कटहल आया है, मेरे पास कटा हुआ आ जानी है, पीस वाला बिक रहा है 35 से 40 रुपए किलो। कचालू अरबी सर? अरबी बिक रही है सर 50 रुपए किलो। नींबू? नींबू बिक रहा है सर 70 रुपए किलो। मिर्च? हरी मिर्च बिक रही है भैया 25 से 30 रुपए किलो जी। ठीक है जी। और सब्जी में तो यही है, और आपका अब फ्रूट में चलते हैं, फ्रूट में खरबूजा बिक रहा है भैया 25 रुपए किलो, मतलब 22 से 25 रुपए का खरबूजा बिक रहा है जी। तरबूज आज तेज रहा है, सोमवार की मंडी होती है तो तेज रहता है सोते, तो भी आज तरबूज बिका है आपका 13 से 15 रुपए किलो तरबूज, 13 से 15। ठीक है जी। पपीता बिका है भैया 550 से 600 रुपए का ग्रेड जी। केला बिका है 450 से 450 रुपए ग्रेड। अंगूर बिक रहा है भैया 1100 से 1200 रुपए, और मौसम्बी बिक रही है भैया 1500 रुपए का कट्टा 20 किलो में, 20 किलो का। और आम बिक रहा है भैया आपका 65 से 70 रुपए किलो जी। ये आम बिक रहा है भैया। आम की कौन सी वैरायटी है सर? आम की केसर भी आ रहा है, दशहरी तो अब कम होगी है, अब ये सफेदा चला हुआ है, सफेदा हाँ जी। केसर आया था वो केसर बिका है थोड़ा कम खट्टा होता है, वो 55 रुपए किलो बिका है जी। जो आपका सफेदा है वो 65 से 70 रुपए किलो, 65 से 70 जी। और भैया और तो कीवी आई थी? कीवी नहीं आई अभी आज, कीवी वैसे बाजार चल रहा है 800-900 रुपए का डब्बा बिक रहा है वो जी। अनार बिक रहा है भैया 1300 रुपए का डब्बा। माल्टा सर? माल्टा बिक रहा है सर 1300 से 1500 रुपए का जी। बस ये अभी आज का फ्रूट सारा ये रहा है। और मेरा शॉप नंबर है 13 KN एंटरप्राइजेज डली सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 7018747300। ठीक है वरुण सर, किसान न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप डायरेक्ट वरुण भाई से संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो कोई ऑर्डर हो या कोई भी आप जानकारी चाहें तो आप वरुण भाई से सीधे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण भाई। थैंक यू। तो ये था किसान भाइयों आज का अपडेट, आपके साथ हमने सारी रेट शेयर कर दिए हैं, स्टोन फ्रूट्स के रेट भी आपके साथ शेयर करेंगे अभी। किसान न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। किसान भाइयों जानते हैं आज स्टोन फ्रूट का क्या बाजार रहा ढली सब्जी मंडी में। 33 नंबर हरपाल सिंह हरजीत सिंह में इस समय हम खड़े हैं, देखते हैं क्या बाजार रहा आज स्टोन फ्रूट्स का इनके पास। जुड़ चुके हैं हमारे साथ गौरव सर। गौरव सर नमस्कार, किसान न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बताएंगे सर आज स्टोन फ्रूट का आपके पास क्या बाजार रहा, क्या क्या माल आया आपको? भैया स्टोन फ्रूट में आज हमारे पास चेरी आई थी 100 से 300 रुपए डब्बा बिका है कैटेगरी वाइज, 100 से 300 जी। खुरमानी बिकी है हमारे पास 25 से 65 रुपए जी। फिर बादाम आया था, बादाम बिका है जी 50 से 80 रुपए तक पर केजी है सर जी। बाकी पलम है, पलम की वैरायटी के अकॉर्डिंग 40 से 120 रुपए तक बिका है जी, केजी भी और बॉक्स में जी। और बाकी पीच आया है 30 से 60 रुपए पर केजी हाँ जी जी। और शक्कर पारा 30 से 70 टॉप बिका है
70 टॉप भी का है। इसके अलावा आम का क्या बाजार रहा सर? 70 से 75 रुपए जी। कितना सर? 70 से 75। लोकल में लहसुन आ रहा है सर, उसका क्या बाजार है? 60 से 70 रुपए। 60 से 70 रुपए। इसके अलावा पपीता सर? पपीता 700 रुपए क्रेट है, 14 किलो की भरती। मौसमी? मौसमी 1300 रुपए 20 किलो की भरती। अंगूर आया था सर आज? अंगूर 1200 रुपए। 1200 रुपए। और इसके अलावा सर बाकी माल्टा है, माल्टा बिका है जी 1200 से 1300 रुपए। तरबूज? तरबूज 15 से 18। खरबूजा? खरबूजा 20 से 25। लोकल में कोई सब्जी आपके पास आई हो आज? में जी आज मटर आया, मटर बिका है 25 से 35 रुपए तक जी। टॉप मटर 25 से 35। हाँ जी। फूल गोभी 30 से 35 रुपए जी। धनिया 50। ये जो फूल गोभी 30 से 35 है सर, आप पत्ता कटी लेते होंगे? ये पत्ता कटी बिना पत्ते की, बिना पत्ते वाली तो 17 से 18 रुपए तक ही है बस जी। और सर बंद गोभी? बंद गोभी 10 से 15। मूली आई थी लोकल? मूली 25 रुपए जी। पालक? पालक 30 रुपए। हरा प्याज? हरा प्याज 20 से 25। और लिंगड़ी? लिंगड़ 50 रुपए। शलगम आया था सर आज? नहीं शलगम। ठीक है सर। इसके अलावा कोई आइटम छूट रही हो आपकी नज़र में? बाकी हमारे पास आया था जी आज आपका लोकल में तो बस यही था सर। ठीक है गौरव सर, किसान न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना फर्म का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। सर हमारे फर्म का एड्रेस है डली मंडी, शॉप नंबर 33, हरपाल सिंह हरजीत सिंह जी। मोबाइल नंबर 9816049732। ठीक है गौरव सर, किसान न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज की हमने आपको सारी अपडेट्स दे दी है, चाहे वो स्टोन फ्रूट्स हो, चाहे अन्य राज्य से आई फल एवं सब्जियाँ हो, चाहे लोकल यहाँ पर जितनी भी सब्जी आई। इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए जानने के लिए प्रतिदिन किसान न्यूज़ से जुड़े और पेज को कृपया फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।